नमस्कार, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज का जो टॉपिक है ये नया टॉपिक नहीं है, इसका पहला पार्ट हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको मैंने कवर किया था। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस ये बड़ा टॉपिक है तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, तो आज ये उसी का पार्ट टू है। तो हमारा टॉपिक क्या है देख लेते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नवीन लोक प्रशासन। कोर्स कोड की बात करें तो UGPA 101, उसके अंतर्गत ब्लॉक 1 और ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 1 की, यूनिट 6। और दूसरा लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के साथ ही ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत MAPS 104 और ब्लॉक पहला ही ब्लॉक है उसकी यूनिट 3 यानी तीसरी इकाई है। तो आप यदि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए समान रूप से ये लेक्चर उपयोगी है, आप इसको देख सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में कहाँ तक बात की थी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो अमेरिकन सोसाइटी थी, जो अमेरिकी समाज था 1960s में यानी 1960 के दशक में, वो उथल पुथल का समय था, वहाँ पे डिसरप्शन, डिसोल्यूशन, ब्रेकडाउन। तो विद्वानों ने एक चर्चा, एक बहस प्रारंभ की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, जो प्रेजेंट सोशल क्राइसिस है, जो हमारा सामाजिक संकट है हमारे देश में, इससे निपटने में कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है और वीक दिख रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं, बहुत चर्चा नहीं करेंगे, पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद हमने बात की कि जो इस नवीन लोक प्रशासन की जो विचारधारा है, इसके उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण थे, इस विचारधारा या आप इसको आंदोलन मान सकते हैं, एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था, तो इसमें जो कारण थे उसमें हमने बात की थी। जैसे पहला है डिससेटिस्फेक्शन प्रिवेलेंट इन अमेरिकन सोसाइटी, हनी रिपोर्ट एक वजह बनी थी, एक आधार बना था। फिर हनी रिपोर्ट के बाद में 1967 में ही फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अगर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस की बात होती ही होती है। और अदर फैक्टर्स में हमने कुछ पब्लिकेशंस की बात की थी, जैसे एफ सी मोशर की किताब है फ्रैंक मेरिनी की, जो टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव, जॉर्ज फ्रेडरिकसन, राइट वाल्डो, ये जो बुक्स थी जो प्रकाशित हुई थी, इनका एक अहम योगदान था ओरिजिन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आइडियोलॉजी में। तो इसकी हमने चर्चा की थी। अब हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या होती हैं, आखिर क्या ये फीचर्स लिए हुए हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, इसकी आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। तो फीचर्स तो इसके कई हैं, लेकिन हमने कुछ मेन फीचर्स लिए हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है, इट डज नॉट एक्सेप्ट द डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको याद होगा जब हमने अपने पहले लेक्चर में बात की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, तो कैसे वुड्रो विल्सन के एक लेख से इसकी शुरुआत मानी जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 में जो लेख प्रकाशित हुआ था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ध्यान होगा कि वुड्रो विल्सन ने इस विषय को पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी से ही शुरू किया था। वुड्रो विल्सन का मानना था कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है, तो वहाँ पे विभाजन हो गया था इस विषय का, इस एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलग अलग बताया गया था, जिसको नवीन लोक प्रशासन जो हमारा NPA है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। NPA जब भी हम यूज़ करेंगे तो आप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में उसे समझेंगे। इट डजेंट एक्सेप्ट द डाइकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डाइकॉटमी की बात की गई थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। वुड्रो विल्सन का मानना था कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो नीतियाँ बनाती है और प्रशासन उसे लागू करता है, तो दोनों का कार्य अलग अलग है, इसे अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। लेकिन बाद में हमने अपने कुछ लेक्चर्स में बात भी की थी कि जैसा कि हमने महसूस किया और देखा भी है, जो कोई प्रोग्राम या कोई पॉलिसी बनती है, कोई प्लान बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें राजनीति
जो राजनीतिज्ञ हैं वही शामिल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं शामिल होता है और सलाह एडमिनिस्ट्रेशन से ही ली जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन नीतियाँ बनाने में भी उसकी भूमिका है और नीतियों को लागू करने में भी उसकी भूमिका है। तो प्रशासन को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। पहला इसका जो फीचर है वो यही कहता है कि डजेंट एक्सेप्ट डाइकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो आज का नीति विज्ञान है बहुत ही व्यापक और गहन है और हम उसे अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं राजनीति और लोक प्रशासन को। यहाँ पर हम एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान का एक स्टेटमेंट भी ले लेते हैं जिसे आपने नाम सुना होगा, पॉल एच एपलबी का। उनका मानना है कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग बिंदु अगर हम मानते हैं तो लोक प्रशासन की जो सर्व स्वीकार्यता है यानी सबको स्वीकार जो है लोक प्रशासन, वो उसमें कमी आएगी, सर्व स्वीकार्यता नहीं हो पाएगी, सभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे अगर इसको हम अलग अलग बिंदुओं को देखेंगे राजनीति और प्रशासन को। और इसके साथ ही जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, और वो भी ध्वस्त हो जाएगी। हम उसका कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की, उस अवधारणा को हम नहीं ला पाएंगे। तो इन दोनों के मध्य जो विभाजन की बात की जा रही है, पॉल एच एपलबी का ऐसा मानना है वो अव्यवहारिक है, अप्रासंगिक है और अवास्तविक है, वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इसी प्रकार एक और विद्वान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की, वो कहते हैं कि प्रशासन महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीति को परिवर्तित कर सकता है, ना कि राजनीति प्रशासन को। उनका कहना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कि प्रशासन महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीति को परिवर्तित कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है लेकिन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज नहीं कर सकती है। तो उनका मानना है इसलिए लोक प्रशासन और राजनीति में द्विविभाजन नहीं होना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में डाइकॉटमी की जो बात की जाती है ये पॉसिबल नहीं है, और लोक प्रशासन की परंपरागत विचारधारा दोनों के मध्य विभाजन करती थी, जैसे कि अभी हमने बताया कि वुड्रो विल्सन ने इस विषय की शुरुआत में, जो इस विषय की शुरुआत हुई, इस विषय का उदय ही हुआ है तो वहाँ इसी से हुआ है कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, जैसा कि वुड्रो विल्सन मानते थे। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं मानता है, इसको रिजेक्ट करता है। दूसरा हमारा फीचर है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली सपोर्टिव ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है नव लोक प्रशासन। जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन था उसमें आपने देखा होगा मनुष्य को एक आर्थिक मानव के रूप में प्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक मैन कह सकते हैं। तो मनुष्य को एक आर्थिक जीव के रूप में प्रेजेंट किया गया है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसे उत्पादन का ही एक यंत्र स्वीकार किया। जैसे आपने जब पढ़ा होगा फ्योल या टेलर को, तो आप फ्योल को पढ़ते हैं या टेलर को पढ़ते हैं, तो टेलर ने देखिए काम के घंटे निर्धारित कर रखे हैं और उसमें बिल्कुल मशीन कितने इतने घंटे काम, फिर इतने मिनट का ब्रेक, और स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे टेलर। बहुत सारे अमानवीय एक तरीके से आर्थिक प्रलोभन को वहाँ पे स्वीकारा गया है कि मनुष्य आर्थिक चीज़ों से प्रभावित होता है, मोटिवेट होता है, अगर उसको हम बोनस दे देंगे तो मोटिवेट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो मजदूर है अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा, जल्दी जल्दी काम करने लगेगा। तो जो परंपरागत लोक प्रशासन में आर्थिक मानव की बात की गई थी, नवीन लोक प्रशासन उसको पूरी तरीके से नकारता है और ये पूरी तरीके से मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है, क्योंकि जो मानवीय संबंध हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है जो मानवीय संबंध हैं, संवेदनाएं हैं, जो मनुष्य की समस्याएं हैं उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि मनुष्य को एक यंत्र एक मशीन मानना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क ओरिएंटेड है उसकी बजाय ये ह्यूमन ओरिएंटेड होना चाहिए, मैन ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी इसको कार्योन्मुख होने की बजाय मानवोन्मुख होने पर जोर दिया गया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। विशेषता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, नेक्स्ट है, दिस आइडियोलॉजी ऑल्सो रिजेक्ट्स द वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट वैल्यू फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो विचारधारा है वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलती है, इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है और सपोर्ट किसका करता है, वैल्यू फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन की बात करता है नवीन लोक प्रशासन, और मूल्यहीन जो
मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण की बात की गई थी हमारे परंपरागत लोक प्रशासन में, उसको ये नकारता है। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जो लोक प्रशासन है वो नवीन लोक प्रशासन विचारधारा का ऐसा मानना है कि लोक प्रशासन को मानव केंद्रित होना चाहिए, उसके केंद्र में हमेशा मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए व्यवस्था की, उसी के लिए प्रशासन है। और जो मनुष्य की समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो उनके मूल्य हैं, अब यहाँ पर मूल्यों की स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, नैतिकता है, इनकी इन मूल्यों को अगर हम समाहित नहीं करेंगे प्रशासन में, तो प्रशासन फिर जैसे हम साइंस में देखते हैं, साइंस में क्या है, वैल्यू न्यूट्रल है साइंस, तो उस प्रकार का विज्ञान हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो प्रशासन को मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए, मूल्य निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है नवीन लोक प्रशासन का। और इसके समर्थक चाहते हैं कि जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक जो न्याय है और समानता है, उसके अनुरूप इसके अप्रोचेज हों, उसके अनुरूप उपागम इसके अपनाए जाएं। तो ये हमने विशेषताएं पढ़ी। नेक्स्ट हमारा इसमें देखने को मिलता है गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल फिक्स है। चार गोल इसके डिसाइड किए गए थे, चार इसके लक्ष्य थे, ये चारों आपके सामने हैं स्क्रीन पर। द एनपीए हैज इम्फसाइज फोर इंपॉर्टेंट गोल्स, रेलिवेंस, वैल्यूज, इक्विटी एंड चेंज। ये आपको याद भी होंगे, जब भी आप एनपीए पढ़ते हैं तो ये चार लक्ष्य आपसे पूछे जाते हैं और ये फिक्स हैं, इसमें ना तो कमी की जा सकती, नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो रेलिवेंस का मतलब यहाँ पे है कि नवीन लोक प्रशासन कहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, जैसे समय तो बदलता रहता है, अगर 100 साल 150 साल पहले हमने कुछ सिद्धांत बनाए हैं तो 100-150 साल बाद जो परिस्थितियाँ होंगी वो तो उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर हम जो इकोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी भी बात कर सकते हैं, जो वातावरण है, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुरूप अगर हम लोग प्रशासन को नहीं ढालते हैं, उसको नहीं शामिल करते हैं उन चीज़ों को, तो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल व्यर्थ होगा, उसका उद्देश्य वहाँ पर पूरा नहीं होगा। तो रेलेवेंस, जो वर्तमान की जो सामाजिक समस्याएं हैं मनुष्यों की, उनके प्रति प्रशासन को जवाबदेह होना चाहिए और प्रशासन को प्रासंगिक बनाया जाए, यानी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको देखते हुए प्रशासन को अपना कार्य करना चाहिए, ऐसा कुछ मानना है नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों का। रेलिवेंस के बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज। वैल्यूज की अभी हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी यहाँ पर भी बात की थी, एक बार फिर से हम देख लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो वैल्यूज की बात की गई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और इससे आपने ध्यान दिया होगा जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो नैतिकता और मूल्यों पर ही पूरी तरीके से केंद्रित, मेन इसका जो उद्देश्य था विचारधारा में, जो मुख्य मुद्दा था वो नैतिकता और मूल्यों का ही था। तो जो व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है या प्रत्यक्षवादियों का दृष्टिकोण है कि वैल्यू न्यूट्रल या वैल्यू फ्री होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी तरह बनाने के लिए जो व्यवहारवादी बात करते हैं कि मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान की धारणा हो, तो उसकी ये पूरी तरीके से निंदा करता है नवीन लोक प्रशासन। और मिन्नोबुर्ग सम्मेलन में प्रतिभागियों ने ऐसा महसूस किया कि जो इस अनुशासन यानी इस डिसिप्लिन के जो विद्वान हैं वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय नैतिकता के मूल्यों के मुद्दे से अधिक चिंतित होंगे। लोक प्रशासन में मूल्य तटस्थता यानी वैल्यू न्यूट्रल बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और यहाँ पर जो समाज का कमजोर वर्ग है उनके हितों का समर्थन करना चाहिए। यहाँ पर भारतीय विद्वान रमेश के अरोड़ा की बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। भारतीय विद्वान रमेश के अरोड़ा लिखते हैं कि नया लोक प्रशासन न केवल मूल्य तटस्थ विद्वान की धारणा को खारिज करता है बल्कि एक तटस्थ नौकरशाह की धारणा को भी खारिज करता है। इसके विपरीत यह उन लक्ष्यों के प्रति प्रशासकों की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की वकालत करता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई है। श्री रमेश के अरोड़ा जी का मानना है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो वैल्यू न्यूट्रल, तो एडमिनिस्ट्रेशन की धारणा को, जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू न्यूट्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तो रिजेक्ट करता ही करता है, बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भी न्यूट्रल होने की धारणा को, जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता है। क्योंकि जो प्रशासक है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसके लिए बनाई गई है, जो समस्याएं आ रही हैं, जो समाज के लिए, जाहिर सी बात है प्रशासन समाज के लिए, तो समाज में जो हमारा कमजोर वर्ग है अगर उनके प्रति वो संवेदनशील नहीं होंगे प्रशासक,
तो प्रशासन को अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो प्रशासन के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही जैसा हो। अब न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल की बात यह है कि सबके लिए एक जैसा वो अपना व्यवहार रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, जो हमारा समाज का कमजोर वर्ग है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करनी होगी और उनके मुद्दे को प्रमुखता से उन्हें लेना होगा, उठाना होगा। तो यहाँ पर जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रश्न उठाया है वह मूल्य और नैतिकता से संबंधित था। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी वैल्यूज से संबंधित, अगर एनपीए के लिए कोई भी सर्वोपरि बात थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी अगर इशू सबसे ऊपर था, तो वो नैतिकता और मूल्य की बात थी। वो जो आवाज़ उठाई गई थी वो वैल्यू एंड नैतिक और नैतिक मूल्यों की बात की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सोशल इक्विटी, इसको सोशल इक्विटी भी कह सकते हैं, इक्विटी बोल सकते हैं, सामाजिक समानता, समाज में ही समानता की बात यहाँ पर की गई है। तो नवलोक प्रशासन के समर्थकों ने मानव विकास को निर्देशित करने के लिए, मनुष्य का अगर विकास करना है तो हमें सामाजिक समानता को आम साधन के रूप में अपनाना पड़ेगा। समाज में जब तक समानता नहीं आएगी तब तक मनुष्य का विकास संभव नहीं है। तो सामाजिक समता को प्राप्त करना लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्टर मानते हैं। अब सामाजिक समानता का अर्थ क्या है, यहाँ पर फ्रेडरिक्सन का थोड़ा सा एक कोटेशन है, फ्रेडरिक्सन का स्टेटमेंट है, बताना चाहूँगी। सामाजिक समानता की खोज लोक प्रशासन को वास्तविक मानक आधार प्रदान करती है। इसका केंद्रीय मूल्य सामाजिक समानता है और इस मूल्य को प्राप्त करने का पसंदीदा साधन भागीदारी है। सामाजिक समानता कैसे प्राप्त होगी, भागीदारी से। जब हम भागीदारी किसकी, जो हमारा समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भागीदारी, जब तक उनकी भागीदारी संभव नहीं है समानता की बात हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ समानता समाज में अधिक सुविधा प्राप्त जो लोग हैं और जो कम सुविधा प्राप्त लोग हैं उन समूहों के बीच में अंतर करती है। जो कम सुविधा प्राप्त लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील बनना होगा प्रशासन को, और तभी हम कल्याणकारी राज की बात कर सकते हैं, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात की जा सकती है। लास्ट में है, सबसे लास्ट इसका जो फीचर गोल है नवीन लोक प्रशासन का, वो है चेंज यानी परिवर्तन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नवाचार या परिवर्तन है इस पर निश्चित तौर पर अधिक जोर देता है। अब नव परिवर्तन का अर्थ क्या है, प्रशासनिक मशीनरी में जानबूझकर ऐसा परिवर्तन लाना जो अधिक कुशल और परिवर्तनोन्मुखी हो, यानी जो चेंज ओरिएंटेड हो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, ऐसा जानबूझ के चेंज लाओ जिससे कि अधिक से अधिक कुशलता हो सके और वो चेंज ओरिएंटेड हो। तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नए विचारों को शामिल करके प्रशासनिक तंत्र में सोच समझकर बदलाव लाना चाहिए। इसका प्रहार यथास्थित पे, जो यथास्थित कायम है, जैसे कि हम अपना पारंपरिक लोक प्रशासन देखते हैं उसमें यथास्थित की बात की गई है। जो सिद्धांत बना दिए गए, जो नियम बना दिए, रूल और रेगुलेशन, वो बहुत ही ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल एंड रेगुलेशन पर चलने वाला है, तो उसमें यथास्थित कायम रहती है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, जैसी परिस्थितियां हो उस हिसाब से प्रशासन को स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। और यह रचनात्मक परिवर्तन में विश्वास रखता है, कॉन्स्ट्रक्टिव चेंज की बात करता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको परिवर्तन का एजेंट मानता है, और इस प्रकार से प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए, जो आधुनिक बनाने का कार्य है प्रशासनिक मशीनरी की गतिशीलता में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता की बात करता है। लास्ट में हम देखेंगे इसका थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई बात या नया विचार आता है, कुछ विद्वान अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ विद्वानों ने, जैसे हर एक सिद्धांत का आलोचक आपको मिल जाएगा, वैसे ही नवीन लोक प्रशासन, हालांकि नवीन लोक प्रशासन को सिद्धांत नहीं है, एक विचारधारा है, तो इस विचारधारा के अगेंस्ट भी लोग आए, लोगों ने आवाज़ उठाई। देख लेते हैं क्या है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम द ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली इन द सेंस दैट इट इज रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स दैन अदर पीरियड्स। जो आलोचक हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ इस महीने में ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिफर है कि जो डिफरेंट टाइम पीरियड में सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आज जो सामाजिक समस्या है आने वाले समय में कुछ उससे बदली हुई सामाजिक समस्या होगी। बस सामाजिक समस्या पर केंद्रित ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आइडियोलॉजी है और कुछ बहुत बड़ा इसमें चेंज नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है, आपने थोड़ा सा उसको सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील दिखा दिया है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। हाउएवर एनपीए हैज मेड इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत अधिक योगदान दिया है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चाहे हम प्रोफेशन की बात करें चाहे हम डिसिप्लिन की बात करें, दोनों में इसका बहुत अधिक योगदान है, इसको हमें नकारना नहीं चाहिए। और ड्वाइट वाल्डो इन हिज वॉल्यूम टाइटल्ड एंटरप्राइजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी इस बुक में 1980 में जो पब्लिश हुई थी, ड्वाइट वाल्डो कहते हैं एनपीए क्लियरली ऑफर्स थ्री अप्रोचेस, स्पष्ट रूप से एनपीए तीन तरीके की अप्रोचेस ऑफर करता है। कौन कौन से वो अप्रोचेस या उपागम हैं? पहला है क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा है पीपल्स पार्टिसिपेशन। अभी ड्वाइट वाल्डो की किसी किताब का उल्लेख हमने इससे पहले किया था, तो इसकी चर्चा हमने की थी। अब क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी की बात क्या है कि यहाँ पे क्लाइंट शब्द यूज़ किया है जो सिटीजन के लिए यूज़ किया गया है ड्वाइट वाल्डो ने, कि हम मीन्स प्रशासन अपने जो सिटीजन है उनको क्लाइंट माने, ग्राहक माने, और क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी की बात किया। आज की जो ब्यूरोक्रेसी है, आज अगर इन प्रैक्टिस हम बात करें, तो आपका ब्यूरोक्रेसी से आपका भी सामना हुआ होगा किसी न किसी काम से, तो आप चाहते हैं किसी कार्यालय में किसी अधिकारी से अपनी समस्या लेकर के, तो बहुत आसानी से आपके बीच, आपके और उस अधिकारी के बीच संवाद नहीं स्थापित हो पाता है। वो एक शासक की तरह, एक रूलर की तरह जनता से व्यवहार करते हैं, जैसे लगता है कि वो उनके ऑनर हैं या उनके ऊपर उनका शासन चलता है। वो एक सेवा भाव से बात नहीं करते, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और लोक सेवक कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत ही ब्यूरोक्रेसी से जब हम अपनी कोई समस्या लेकर के जाते हैं, तो वो उस तरीके से हमसे पेश नहीं आती है, वो अपने आप को तानाशाह समझने लगती है। तो ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? वर्ल्डों के अकॉर्डिंग क्लाइंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे आप प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा माना जाता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे वहाँ के जो कर्मी होते हैं, क्योंकि वो आपको ग्राहक मानते हैं। अगर आप उनसे नाराज़ हो जाएंगे उनके व्यवहार से, तो आप उनकी सर्विस लेना बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से वाल्डो का मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, जो हमारा सरकारी प्रशासन है, लोक प्रशासन है, उसको क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एंड लास्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की भागीदारी। ये तीन चीज़ें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली ऑफर करता है, स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है अगर इसकी समीक्षा की जाए। एंड आगे कहते हैं ड्वाइट वाल्डो, इफ दीज पब्लिक पर्सपेक्टिव आर वूवन इन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल मेक इट मोर डेमोक्रेटिक दैन बिफोर। कि अगर इन जो सार्वजनिक दृष्टिकोण हैं, जो पब्लिक अप्रोचेस हैं, इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बुना जाए, यानी शामिल कर दिया जाए, समाहित कर दिया जाए, तो यह पहले से भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बना देगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, बहुत अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, इसको हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में कवर किया। पिछला अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पार्ट वन देख सकते हैं, जब आप पार्ट वन देखेंगे तब दूसरा पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत आज जो हमने चर्चा की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उस पर चर्चा की, और उसके लक्ष्य जो चार दिए गए हैं उसकी हमने बात की, साथ ही साथ हमने क्रिटिकल इवैल्यूएशन में भी कुछ आलोचकों की बातें और कुछ विद्वानों की बातें शामिल की। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपने लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे। और यदि आप चाहते हैं कोई टॉपिक पे मैं लेक्चर आपको अवेलेबल कराऊं, तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस में जो आपको कठिन लगता हो उस टॉपिक को आप दे सकते हैं, तो मैं सबसे पहले उसी लेक्चर को आपको अवेलेबल करा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।